वेब 3.0 का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आईसीपी इंटरनेट कंप्यूटर पिछली बार की बुल मार्केट में $2800 टच करने के बाद यह प्रोजेक्ट कॉन्टिन्यूसली गिरता चला गया। बुल मार्केट में तो कुछ अच्छा परफॉर्म किया ही नहीं, वहीं पर बियर मार्केट में भी किसी भी व्यक्ति ने इस प्रोजेक्ट को बाय ही नहीं किया। आज ये प्रोजेक्ट $1450 के ऊपर चल रहा है और फिर भी हर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से बाय कर लो, क्योंकि इसका प्राइस आने वाली बुल रैली में $600-$700 के ऊपर जा सकता है। ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वेब 3.0 का अगर कोई रियल मीनिंग, रियल यूज केस प्रोडक्ट अगर किसी ने बनाया है तो वो इंटरनेट कंप्यूटर है। इस वजह से भी इस प्रोजेक्ट को इस समय पर बाय किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी पार्टनरशिप्स पिछले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आईसीपी ने यहां पर की है। आईसीपी में इस समय ज्यादा होल्डर्स ना होने के कारण आईसीपी का प्राइस बहुत जल्दी एप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि डंप नहीं आ रहा है। आईसीपी आने वाले दिनों में $700 क्यों जाएगा? कौन कौन से ऐसे पार्टनरशिप्स हैं जो कि आईसीपी के प्राइस को यहां पर पंप कर सकती हैं? हर एक चीज में डिटेल में बात करने वाला हूं, बट कंडीशन एक है, इस वीडियो को 2000 लाइक्स जल्दी से कर दें, क्योंकि एक एक लाइक मेरे दिल पर लगता है और मुझे मोटिवेट करता है। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, मेक श्योर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में $3000 का गिव अवे अनाउंस होने वाला है। दोस्तों अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर 16th पोजीशन के ऊपर आईसीपी एक सुपर सॉलिड पोजीशन के अंदर चल रहा है। आईसीपी को लेने के लिए इस समय हर कोई व्यक्ति बात कर रहा है, वहीं पर अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की तो लगभग $1450 के ऊपर चल रहा है। अगर बियर मार्केट में बात करो तो यह प्रोजेक्ट $2 से भी नीचे चला गया था, वहीं पर अगर अब बात करो तो $1450 के ऊपर ये प्रोजेक्ट चल रहा है और बात हो रही है कि आने वाले दिनों में $700 जाएगा। अब क्यों जाएगा? पहली बात तो डिसेंट्रलाइज्ड क्राउड 3.0 प्रोटोकॉल के नाम से इंटरनेट कंप्यूटर बहुत तेजी से फेमस हो रहा है, वहीं पर कुछ लोग इसे वर्ल्ड कंप्यूटर के नाम से भी कहते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर जो कि पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड बना रहा है। नहीं समझ आया? आसान भाषा में समझिए। आज आप फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आपका सारा का सारा डाटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, उसे कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। अगर आप एक दिन उठते हैं और वहां पर सारे के सारे डाटा को हाइड कर देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं, उस कंडीशन में भी वो डाटा जिस सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ था वो कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन उसे एक्सेस कर सकती है। ये वेब 2.0 की सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस है। वहीं पर इंटरनेट कंप्यूटर जिसके पास भी क्लाउड स्टोरेज है उसे कनेक्ट करने के लिए बोलता है, किसी के पास कोई क्लाउड हब है, किसी के पास कोई डाटा सेंटर है उसे कनेक्ट करने के लिए बोलता है, सो दैट हर एक चीज को डिसेंट्रलाइज बनाया जाए। यहां पर आपका डाटा एक जगह पर नहीं पड़ा रहता, आपका डाटा अलग अलग जगहों पर पड़ा रहता है और जब भी उसका ऑथराइज्ड पर्सन उसे एक्सेस करता है तभी वो डाटा एक्सेस होता है। ये वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको पता चल पाएगा कि आईसीपी क्या क्या काम कर रहा है, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसका प्राइस $600-$700 जा सकता है। अगर मैं यहां पर बात करूं आईसीपी को लेकर तो ये बेसिकली प्योर डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट बनाने की बात कर रहा है। अगर यहां पर मैं 3 मेजर चेंजेस की बात बताऊं जो कि अभी हुए हैं, पहला क्या हुआ है, द इंटरनेट कंप्यूटर इंटीग्रेट्स डायरेक्ट विद द बिटकॉइन नेटवर्क। इन्होंने आईसीपी को बिटकॉइन नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। अब दूसरा पॉइंट क्या किया यहां पर, इसने यहां पर कंसिस्टर्स को अलाउ किया है टू रिसीव होल्ड बिटकॉइन ऑल डायरेक्टली विद द ट्रांजेक्शन और बिटकॉइन नेटवर्क। और तीसरा कंसिस्टर्स क्या है, ये बिल्कुल लाइक जो रेगुलर बिटकॉइन के यूजर्स हैं जो बिटकॉइन को होल्ड करते हैं, सेंड करते हैं, ये बिल्कुल उसी प्रकार से हो रहा है, बट आईसीपी ने डायरेक्ट बिटकॉइन नेटवर्क के साथ यहां पर इंटीग्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। अब इन्होंने दूसरी चीज यहां पर एक और की है, यहां पर कहना है कि आईसीपी का प्राइस आने वाले दिनों में $20 चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? यूरोपियन मार्केट में काम करना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी लाइसेंसिंग लगती है, आपको प्रूफ करना पड़ता है कि जो यूजर्स का डाटा है वो सिक्योर रहेगा, बट वेब 2.0 में इस चीज के दावे नहीं किए जा सकते। वहीं पर आईसीपी ने क्या किया है, आईसीपी ने यहां पर यूरोपियन कम्युनिटी ने आईसीपी को अडॉप्ट किया है अपनी एप्स को, डैप्स को डिप्लॉय करने के लिए, क्योंकि यहां पर जो डाटा आईसीपी यूजर्स का रहेगा वो एक जगह पर नहीं रहेगा। जैसा कि इस वीडियो में भी मैंने बताया कि आपका पूरा का पूरा डाटा डिसेंट्रलाइज हो जाता है और उसे कोई भी व्यक्ति अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकता। दूसरा, आप अपने डाटा की अगर एक फाइल है तो उसके 5 डिफरेंट फाइल्स बनाकर अलग अलग लोकेशंस पर स्टोर कर सकते हैं, सो दैट वो एक्सेस ना हो पाए, और जब भी आपको उसका डाटा चाहिए तो आप सिंपली एक्सेस करें और सारा का सारा डाटा अलग अलग लोकेशन से एक्सेस होगा, आपको मिलेगा। तीसरा,
आप यहां पर जब भी डाटा को डिसेंट्रलाइज, जितने भी इनके डाटा सेंटर से डिसेंट्रलाइज रहेंगे उनके ऊपर अगर रखते हैं तो आपका डाटा कभी भी एक्सेस नहीं हो सकता। अगर आपने उसे पब्लिक कर रखा है तो लोग उसे देख पाएंगे, अगर आपने उसे प्राइवेट कर दिया तो इवन दो जिसका वो डाटा सेंटर है वो भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता। यहां पर बहुत सारी चीजें इस तरीके से भी डेवलप हो रही है आने वाले दिनों में, गेमिंग को लेकर, जहां पर सारी की सारी चीजें डिसेंट्रलाइज चले, सोशल नेटवर्क्स को लेकर सारी की सारी चीजें डिसेंट्रलाइज चले। इवन तो अब इन्होंने एक और चीज की है, एएमडी सिक्योर इनक्रिप्टेड विजुअलाइजेशन, जो कि 2024 में लॉन्च करने वाले हैं। कई बार आप किसी व्यक्ति से उसकी ईमेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड या फिर अपने अपनी कोई लीगल आइडेंटिटी शेयर कर देते हैं और समटाइम्स देखा गया है कि वो आइडेंटिटी गलत काम के लिए या फिर अदर पर्पस के लिए यूज हो जाती है। अब आईसीपी उसका भी सोल्यूशन लेकर आया है। आपने अगर कोई आइडेंटिटी किसी पर्टिकुलर काम के लिए दी है तो वो उसी के लिए यूज होगी, वो कहीं पर भी अदर जगह पर यूज हो ही नहीं सकती। अगर ऑल अराउंड में एक छोटी परिभाषा में आपको लेकर बात करूं तो आईसीपी एक प्योर डिसेंट्रलाइज दुनिया बनाने की बात कर रहा है। आईसीपी कहीं ना कहीं इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करने की बात कर रहा है और आज की डेट में जिस इंटरनेट को हम यूज कर रहे हैं उसको वहां पर हमें ऑप्शंस दे रहा है कि हमारा डाटा कहीं पर भी गलत तरीके से यूज ना हो पाए, लोग गलत तरीके से एक्सेस ना कर पाए और पूरे के पूरे डाटा सेंटर्स को डिसेंट्रलाइज करने देने की बात कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो जिस तरह से फेसबुक काम कर रही है, जिस तरह से यूट्यूब काम कर रही है, जिस तरह से इंस्टाग्राम कर रहा है या फिर कोई भी सोशल मीडिया कर रहा है, वो अल्टीमेटली लोगों के डाटास को यूज करके ही इतनी इतनी बड़ी कंपनीज बनी है और ये सारी की सारी चीजें लोगों के हाथ में उनकी पावर देना चाहता है। आईसीपी को लेकर पहले तो मैं इतना बुलिश नहीं था, या तो यूं कहे कि मैंने इतना डीपली स्टडी नहीं किया था, बट आज मैं आईसीपी को लेकर थोड़ा सा कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में एक डिसेंट प्रॉफिट मिल सकता है। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, कुछ भी बाय करने से पहले अपनी रिसर्च करें और अगर आप क्रिप्टो में हैं तो लॉन्ग टर्म होल्डर बनने की कोशिश करें अगर आप यहां से डिसेंट प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आपका कमेंट्स में इंतजार रहेगा। वीडियो का टारगेट है 2000 लाइक्स का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और $3000 का एक गिव अवे जो कि केवल टेलीग्राम यूजर्स के लिए रहेगा मैं अनाउंस करने वाला हूं। मेक श्योर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।